हेलो स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स पे लेक्चर थर्ड आज स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियॉन स्कैटरिंग सिस्टम पे। इसके पहले मैंने दो लेक्चर आपको बताया था जिसमें हम बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन देखे, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे और न्यूक्लियस पे किस टाइप की फोर्स जो होती है उसके बारे पे हम देख रहे थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे थे। तो आज हम न्यूक्लियॉन स्कैटरिंग सिस्टम देखेंगे। मैं कृपाराम साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, हम गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुत। आज हम यूनिट फर्स्ट के जितने भी जो टॉपिक्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट दो लेक्चर में काफ़ी कुछ हमने कर लिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर पे हमने न्यूक्लियर इंट्रेक्शन उसके प्रॉपर्टीज न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन इंट्रेक्शन देखे, फिर टू बॉडी प्रॉब्लम जिसमें टू न्यूक्लियॉन सिस्टम का सॉल्यूशन देखे सेकेंड लेक्चर में, जिसमें बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन हम देख रहे थे। आज थर्ड लेक्चर जो होगी न्यूक्लियॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी रेंज पे हम देखेंगे, स्कैटरिंग फिनोमिना आगे देखेंगे क्या होती है कैसे और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो न्यूट्रॉन होती है वो बाउंड स्टेट पे एग्जिस्ट करती है, उसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, न्यूट्रॉन की जो नेचर्स है उसके बेसिस पे, जिसको हम वेव इक्वेशन से सॉल्व करके हम ये प्रूव करते थे कि न्यूट्रॉन जो होती है वो ग्राउंड स्टेट पे ही एग्जिस्ट करती है, बाउंड स्टेट पे ही रहती है। देन हम एक और मेथड जो होगी वो है स्कैटरिंग फिनोमेना, जिसके थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि न्यूट्रॉन जो होती है वो बाउंड स्टेट पे होती है। तो उसी से रिलेटेड ये लेक्चर होंगी। इसके बाद जो भी बचेंगी उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर पे ये प्रिपेयर करूँगा। तो न्यूक्लियॉन स्कैटरिंग सिस्टम देखते हैं। इसमें मैं जैसे अभी बता रहा था हाउ टू मेजर द न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी इन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग फिनोमेना। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियॉनिक सिस्टम लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिस्टम, प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सिस्टम। दैट मीन्स डाई प्रोटॉन एंड डाई न्यूट्रॉन सिस्टम विच आर नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। सो वी हैव प्रीफर ओनली न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रॉनिक सिस्टम। सो इन द स्कैटरिंग फिनोमिना वी हैव यूज न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम फॉर द स्कैटरिंग ऑफ न्यूक्लियॉन सिस्टम। वी हैव डिफरेंट स्कैटरिंग फिनोमिना, दैट मीन्स रेंज ऑफ द स्कैटरिंग, विच मीन्स वी हैव यूज लो एनर्जी स्कैटरिंग फिनोमिना एंड सेकेंड वन हाई एनर्जी स्कैटरिंग फिनोमिना। इन दिस स्लाइड यू कैन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लो एनर्जी स्कैटरिंग फिनोमिना इन डिफरेंट फ्रेम लाइक लेबोरेटरी फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इन द लेबोरेटरी फ्रेम लो एनर्जी स्कैटरिंग फिनोमिना विच इज यूज्ड इफ द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग बीम इज लेस देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इन लेबोरेटरी फ्रेम एंड सेकेंड वन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ बीम इज लेस देन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नोन एज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो हम यहाँ पे जो स्कैटरिंग फिनोमिना होगी उसको लो एनर्जी रेंज और हाई एनर्जी स्कैटरिंग फिनोमिना पे ही देखेंगे। हाई एनर्जी स्कैटरिंग फिनोमिना जो होगी उसमें जो इंसिडेंट लाइट की जो बीम होती है, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीम इज ग्रेटर देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन अ लेबोरेटरी फ्रेम एंड सेम एच इंसिडेंट बीम ऑफ फॉर द न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द स्कैटरिंग न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सो फॉर वी यूज टू स्कैटरिंग फिनोमिना, लो एनर्जी स्कैटरिंग फिनोमिना एंड हाई एनर्जी स्कैटरिंग फिनोमिना। फॉर द बेटर चॉइस वी यूज न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम एंड
डाई प्रोटोन एंड डाई न्यूट्रॉन सिस्टम चूंकि एग्जिस्ट नहीं करती है इन नेचर, इसीलिए हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम को ही हम देखेंगे, जिसको हम लोग न्यूट्रॉनिक सिस्टम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कि न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन स्केटरिंग जो फिनोमिना होती है उसे हम क्या प्राप्त करते हैं, व्हाट वी गेट फ्रॉम दी स्केटरिंग फिनोमिना। वी हैव टू स्केटरिंग फिनो, फॉर डिफरेंट स्केटरिंग फिनोमिना वी गेट डिफरेंट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट फ्रॉम लो एनर्जी स्केटरिंग स्टडीज वी गेट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड वन न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। दिस टू प्रॉपर्टीज आर गेटिंग फ्रॉम दी लो एनर्जी स्केटरिंग स्टडीज स्केटरिंग फिनोमिना। और जो सेकेंड जो फिनोमिना है हाई एनर्जी स्केटरिंग फिनोमिना, हम यहाँ से ये प्राप्त करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो डायनेमिक नेचर की होती है, नॉट अ स्टैटिक नेचर। एंड सेकेंड न्यूक्लियर फोर्स है वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इस ओरिएंटेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन लाइक स्पिन ऑर्बिट इसके स्पिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन फिनोमिना। एंड नेक्स्ट न्यूक्लियर फोर्स आर नॉट ऑलवेज एट्रैक्टिव फॉर सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, न्यूक्लियर फोर्स इज एट्रैक्टिव एंड सम रेंज न्यूक्लियर फोर्स आर रिपल्सिव। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर लाइक हार्ड कोर पोटेंशियल। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल लाइक स्क्वायर वेल पोटेंशियल, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल, युकावा पोटेंशियल एंड हार्ड कोर पोटेंशियल। ऑल पोटेंशियल आर एट्रैक्टिव नेचर बट हार्ड कोर पोटेंशियल आज सम पॉइंट इट इज रिपल्स, इट इज बिहेव लाइक रिपल्सिव नेचर। एंड नेक्स्ट एक्सचेंज नेचर ऑफ फोर्स। सो स्केटरिंग फिनोमिना से हम डिफरेंट स्केटरिंग रेंज हम देख रहे थे, लो एनर्जी रेंज और एक हाई एनर्जी रेंज। तो लो एनर्जी रेंज पे हम दो प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, और दूसरा कि ये स्पिन डिपेंडेंट होती है। और हाई एनर्जी रेंज पे हम न्यूक्लियर फोर्स की डायनेमिक नेचर की स्टडी करते हैं और बताते हैं कि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का नहीं होती, बल्कि ये कुछ पॉइंट पर ये रिपल्सिव नेचर का भी होता है। फिर एक्सचेंज नेचर ऑफ फोर्स ये हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। हम लोग डिटेल्स पे इसको देखते हैं कि स्केटरिंग फिनोमिना क्या होती है और ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो मैं लो एनर्जी रेंज पे यहाँ पे बताऊँगा, बाकी आप सिमिलर उसको हाई एनर्जी रेंज पे भी कर सकते हैं। फिनोमिना जो होगी वो सेम होंगे, बस उसके जो रिजल्टेंट होंगे वो डिफरेंट आएंगे, जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो देखते हैं हमारे पास जो सिस्टम है न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्केटरिंग फिनोमिना एट लो एनर्जी रेंज। तो यहाँ पे दिख रही होगी कि हम यहाँ पे न्यूट्रॉन जो सिस्टम है उस न्यूट्रॉन सिस्टम की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी हमको पता है, इसके पहले हमने जो वेव मैकेनिक्स थी उसके सॉल्यूशन से, कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स कि उसके बीच जो फोर्स होता है न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन बेसिकली क्या होती है अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन जो होती है वो 1H2 जो होते हैं ये न्यूट्रॉन, जिसमें एक क्या होता है न्यूट्रॉन होता है, और इस न्यूट्रॉन के अराउंड जो प्रोटॉन होती है ये क्या करती है, ये इसके अराउंड मोशन करते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है वो एट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्यों, क्योंकि ये बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ये बाउंड स्टेट में तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसके बीच का पोटेंशियल एट्रैक्टिव नेचर का हो। तो ये हमने प्रूव किया हुआ था, तो इसी को हम लोग स्केटरिंग फिनोमिना से हम फिर से एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट एक प्लेन वेव है,
इंसिडेंट प्लेन वेव, आप पता है कि प्लेन वेव जो होंगी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई की पावर आई के एक्स या ई की पावर माइनस आई के एक्स या फिर वो साइन कॉस के फॉर्म में हो सकती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इंसिडेंट प्लेन वेव, इसको इंसिडेंट करवाते हैं कहाँ पे, ड्यूटोनिक सिस्टम में। जब ये ड्यूटोन सिस्टम पे इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे क्या होती है कि एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से ये जो बीम होती है वो क्या होती है, स्केटर्ड होती है। ये एक सॉलिड एंगल यहाँ पे, इस सॉलिड एंगल से ये स्केटर्ड ये होती है। सॉलिड एंगल बेसिकली आपको पता होगा ये एक पर्टिकुलर जो रेंज होती है, पर्टिकुलर रेडियस के अकॉर्डिंग ये जो बीम होती है वो डिफ्रेक्ट होती है। पर्टिकुलर रेडियस, पर्टिकुलर जो एरिया होगी उस पर ये पेस्ट होती है, और पर्टिकुलर एंगल पे। आगे हम देखेंगे कि ये सॉलिड एंगल क्या होती है, बेसिकली हम आगे फाइंड आउट करेंगे सॉलिड एंगल की वैल्यू। और यहाँ पे हम एक लगा देते हैं डिटेक्टर, ताकि जो स्केटर्ड बीम है उसको हम डिटेक्ट कर सकें। तो ये स्केटरिंग फिनोमिना होती है, ये कम्प्लीटली जो है ये स्केटर्ड स्फेरिकल वेव है। तो इसी का हमको एनालिसिस करना है और हमको ये प्रूव करना है कि न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है और जो न्यूट्रॉन होती है वो बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको हम इसी जो स्केटरिंग फिनोमिना है पार्शियल वेव जो एनालिसिस होगी, फिर टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन ये निकालेंगे, पार्शियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन ये हम निकालेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो ये स्केटरिंग है इस स्केटरिंग का लेंथ क्या होगा, ये हम भी देखेंगे। स्केटरिंग का लेंथ आपको पता होगा, एक आइडिया अगर मैं दूं कि ये जितना इसका क्या होगा, जितना इसका एरिया होगा तो वो एरिया डिपेंडेंट होगी। मे बी ये इसका रेडियस अगर जितनी होंगी तो उसके रेडियस पे डिपेंड करे, मे बी कि वो सॉलिड एंगल पे डिपेंड करे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो स्केटरिंग जो लेंथ है वो क्या होगी, क्योंकि हमारी जो न्यूक्लियस जो प्रॉपर्टीज होगी लाइट की बाउंड स्टेट पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो इसके स्केटरिंग लेंथ पे ही डिपेंड करेगी। अगर स्केटरिंग लेंथ कम हो या ज़्यादा हो तो उस बेस पे हम बता पाएंगे कि बाउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। क्योंकि जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वेव मैकेनिक्स में क्या बताया था, कि वेव मैकेनिक्स में मैंने बताया था कि अगर वो पोटेंशियल का नेचर देखते थे वहाँ पे, तो ये पोटेंशियल डेप्थ जो होता था वी जीरो, इसको ज़्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स हाई पोटेंशियल डेप्थ हो, और इसका विड्थ भी कैसा होना चाहिए, बी जिसको लिखते थे, या आर जो रेंज, ये भी कैसा होना चाहिए, विड्थ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके क्या होता था, बाउंड स्टेट पे होता था। सेम एज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्केटरिंग फिनोमिना पे जो स्केटरिंग लेंथ है उस स्केटरिंग लेंथ को देखेंगे कि स्केटरिंग लेंथ कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, अगर होगा तो वो कैसे। तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा आपको मैंने बताया था एक रेडियल वेव होती है, तो इस रेडियल वेव के एनालिसिस से। रेडियल वेव को हम देखेंगे, चूंकि मैंने बताया था उस समय कि रेडियल वेव किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर के। तो आर इंक्रीज होगी तो आपका वेव फंक्शन भी जो होता है वो बढ़ता है। अगर आपका आर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, जैसे आर इनफाइनाइट है तो रेडियल वेव फंक्शन वेनिस होती थी, दैट मीन्स वो अनबाउंड हो गया, फिर आर जो होती थी वो मिनिमम होती थी एक पर्टिकुलर रेंज तक, तब हम बता पाते थे कि ये जो होती थी वो बाउंड होता था, और इसका हम वैल्यू भी निकालते थे आर का रेंज, जिसको हम लोग ड्यूटोन रेडियस भी कहते थे। तो ये हमने इसके पहले कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम देखें स्केटरिंग फिनोमिना, तो हम इसमें टू बॉडी जो प्रॉब्लम, टू बॉडी जो सिस्टम ट्रीट हो रही है यहाँ पे, टू बॉडी सिस्टम वो किसका, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम का। तो इसका हम सॉल्यूशन कर ले सोडिंगर इक्वेशन से। तो हम ये सोडिंगर का इक्वेशन, हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं, तो सोडिंगर इक्वेशन ये अप्लाई करें, अब फिर इसका हम क्या करें यहाँ पे सॉल्यूशन करें। तो सोडिंगर का इस इक्वेशन का एक हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे जो एम है ये बेसिकली आपका क्या है, प्रोटॉन मास है,
प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, तो हम यहाँ पे मास की वैल्यू रखेंगे और उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। चूंकि ये टू बॉडी प्रॉब्लम है, तो टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, रिड्यूस मास रखेंगे। रिड्यूस मास जो होगा वो एम की जगह हम रख देंगे m/2, तो ये इसका रिड्यूस मास होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का रिड्यूस मास हाफ ऑफ दी मास ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन ये होती है। और यहाँ पे e जो है ये क्या है, ये इंसिडेंट जो काइनेटिक एनर्जी है, जो बीम है उस वेव की ये काइनेटिक एनर्जी होगी। और वी यहाँ पे आपका क्या होगा, इंटरन्यूक्लियोनिक पोटेंशियल होगा। इंटरन्यूक्लियोनिक पोटेंशियल मतलब ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो पोटेंशियल इन्वॉल्व होगी, अट्रैक्टिव टाइप का ये पोटेंशियल यहाँ पे होंगी। तो इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करें, तो नेक्स्ट इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। क्या अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्कैटरिंग, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन टू बी साई इक्वल टू ई की पावर आई के जे प्लस ई की पावर माइनस आई के ओवर आर एफ थीटा। यहाँ पे एफ थीटा जो होती है ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होती है, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, ये थीटा पे डिपेंड कर रही है। और इसमें जो फर्स्ट टर्म्स है यहाँ पे ई की पावर आई के जे जो है ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन वेव अ बीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन दी जेड डायरेक्शन टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो ये बेसिकली ये इंसिडेंट लाइट की जो इंसिडेंट जो बीम है उस इंसिडेंट बीम का ये वेव है। और ये जो होगी ये किसका है, ये जो स्केटर्ड जो बीम होगी ये उसकी वेव होगी। और ये एफ थीटा जो है ये स्केटर जो बीम है उसका ये एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे तीन टाइप्स के डिपेंडेंसी देख रहे हैं हम, इम्पोर्टेंट कि जो टोटल वेव फंक्शन है वो इंसिडेंट जो बीम है जिस डायरेक्शन में जिसको हम इंसिडेंट करवा रहे हैं ये उसका वेव, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक स्केटर्ड जो बीम है उसका एम्पलीट्यूड और दूसरा जो है स्केटर्ड बीम का वेव फंक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप का है। तो यहाँ पे स्केटर्ड फंक्शन जो है ये आर पे दिख रहा है, आर इसलिए क्योंकि हमने जो यूज किया है वो न्यूट्रॉन, इसका एक पर्टिकुलर क्या है रेडियस है। और ये कैसी होती है, ये आइसोट्रोपिक होती है और स्फेरिकल होती है। तो स्फेरिकल होने के कारण यहाँ पे जो बीम होगी स्केटर्ड बीम वो किसी भी डायरेक्शन पे हो सकता है, इस डायरेक्शन या इसलिए हम यहाँ पे ई की पावर आई के आर इसको ले रहे हैं। और ये जे डायरेक्शन का ये इंसिडेंट बीम है जिसको हम ई की पावर आई के जेड ये ले रहे हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा आफ्टर सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो हम इसमें देखें नेक्स्ट जो सॉल्यूशन हमारा, जो सॉल्यूशन है हमारा क्या सॉल्यूशन है कि हम किसी तरह ये जो एम्पलीट्यूड है स्केटर्ड बीम की वो एम्पलीट्यूड हम फाइंड आउट करें और उसकी वैल्यू यहाँ पे रखें और इसका हम सॉल्यूशन करें। तो हमको ये वेव फंक्शन का नेचर ये हमको पता चल जाए कि वेव फंक्शन क्या हो। जैसे मैंने बताया था वेव फंक्शन उधर की ओर हम ले रहे थे, याद होगा साई आर को हम ले रहे थे यू आर ओवर आर ये हम लेते थे। तो सेम थिंग ऐसा ही यहाँ पे करेंगे हम, पहले ये साई जो यहाँ गिवन है इसका हम सॉल्यूशन करें, उसको यू आर ओवर आर के फॉर्म में हम वहाँ रखेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन होगा उसका नेचर कैसा है, और इसके नेचर के बेस पे हम बता पाएंगे कि ये बाउंड स्टेट पे होगा या फिर ये अनबाउंड स्टेट पे होगी। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करें, तो चूंकि मैंने बताया कि ये जो शेप होगा ये स्फेरिकल शेप का होगा, सो इन केस ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल दैट स्केटरिंग प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एजीमथल एंगल फाई। चूंकि स्फेरिकल शेप अगर है तो स्फेरिकल शेप में मैंने बताया है कि जो वेव फंक्शन होती है ये क्या होगा, साई आर थीटा और ये फाई पे डिपेंड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो स्केटरिंग फिनोमिना है ये फाई पे डिपेंड नहीं करती है, एजीमथल एंगल फाई पे डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ डिपेंड करेगी किसके, साई आर और
थीटा फे। तो देखेंगे यहाँ पे ये कैसे, तो इसके लिए द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल बिटवीन आर एन आर प्लस डी आर इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। दैट मीन्स कि हमारा जो ये जो पर्टिकुलर जो स्फेरिकल शेप जिसका रेडियस आर है, इसकी वॉल्यूम अगर हम देखें, सपोज कि इसका विड्थ क्या हो, डी आर अगर हो, तो इसके लिए इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करें तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो इसका वॉल्यूम हो गया। और डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डी एन स्केटर्ड इन यूनिट टाइम बाई सॉलिड एंगल डी ओमेगा। दैट मीन्स कि जो यहाँ से इंसिडेंट लाइट हमने किया e की पावर आई के जेड, और इधर से जो स्केटर्ड हुई बीम, ये स्केटर्ड जो बीम होगी, इस स्केटर्ड बीम की जो डिपेंडेंसी होगी कि कितने जो बीम्स होंगी, नंबर ऑफ बीम्स, अगर ये हम यहाँ पे न्यूट्रॉन इसको माने और ये प्रोटॉन पे हम इंसिडेंट करवाएं, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हो, अगर न्यूट्रॉन बीम हो और यहाँ पे प्रोटॉन हो, और यहाँ से हम जो डिटेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल डी ओमेगा से, तो इस डी ओमेगा सॉलिड एंगल पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे डी एन, उसकी संख्या अगर देखें तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इंसिडेंट फ्लक्स, ये जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, ये इस इंसिडेंट जो फ्लक्स होगी उस पर डिपेंड करेगी। तो जो इंसिडेंट फ्लक्स होगा, वो इंसिडेंट फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ये जो साई होगी स्केटर्ड जो आपका वेव फंक्शन साई, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट्स दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और उसके वेलोसिटी पे ये डिपेंड करेगी। तो इंसिडेंट फ्लक्स जो होगी वो क्या होगी, एफ इक्वल टू साई एस साई साई एस साई स्टार वी। तो ये इसका इंसिडेंट फ्लक्स होगा। तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल डी एन ये होगी इंसिडेंट फ्लक्स एम मल्टीप्लाइड बाई एरिया आर स्क्वायर बाई सॉलिड एंगल डी ओमेगा। दैट मीन्स ये होगा, ये आपका हो गया फ्लक्स, और ये आर स्क्वायर एरिया, और ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल होगा डी एन। तो हम ये सॉलिड एंगल की वैल्यू यहाँ पे रखें तो एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी वो हमको यहाँ से मिल जाएगी। साथ में एफ ये इंसिडेंट जो फ्लक्स है इसकी वैल्यू, तो मैंने बताया ये डिपेंड करेगा साई, फिर होगा आपका साई स्टार, और इस इंसिडेंट बीम के वेलोसिटी वी पे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो नेक्स्ट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको मिलेगी वो क्या, डी एन इक्वल टू साई ए सी स्केटर्ड वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ स्केटर्ड वेव फंक्शन साई ए सी वी वेलोसिटी ऑफ बीम जो होगी, और ये आर स्क्वायर ये एरिया, और ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल। तो ये रखें तो यहाँ पे जो साई दैट मीन्स फ्लक्स इनटू जो एरिया होगी, यहाँ पे फ्लक्स एरिया पर यूनिट जो वेलोसिटी जो होती है इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं एम्पलीट्यूड एफ थीटा, तो इसे हम डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ साई एस सी और आर स्क्वायर की जो वैल्यू होंगी इसको हम क्या कर लें, एफ थीटा स्क्वायर ये मान लें, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड यहाँ पे रखें तो हमको ये नंबर ऑफ पार्टिकल ये इस फॉर्म में मिल गई। अब स्केटरिंग जो जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो होती है बाय डिफिनेशन वो ये कि डी सिग्मा जो होती है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वेलोसिटी रेंज, ये होती है। तो हम डी एन की वैल्यू जो यहाँ पे प्राप्त हुई है उसको हम रखें तो ये हमको मिलेगी एफ थीटा जो होगी स्क्वायर ओवर ये वी, और ये वी डी ओमेगा, वी से भी कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली ये हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमको मिलाएगी। इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने से ये वैल्यू हमको मिलाएगी। डी ओमेगा की वैल्यू आपको पता होगा, चूंकि मैंने बताया ये स्फेरिकल शेप है,
स्फेरिकल शेप में ये बीम, ये क्या हो रही है यहाँ से, इसको हम डी ओमेगा मान रहे हैं, सॉलिड एंगल, ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल, इसकी वैल्यू तो चूंकि ये आर थीटा फाइव पे डिपेंड करती है तो हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करें तो डी ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं कितना, टू पाई साइन थीटा डी थीटा, चूंकि इसका सॉल्यूशन हम जब करें तो फाइनल जो सिग्मा होगी उसकी वैल्यू ये हमको मिलेगी, जिसको हम लोग डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जिसकी वैल्यू सिग्मा इक्वल टू टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ थीटा स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा होगी। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू रखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। एम्पलीट्यूड बेसिकली ये रेडियस पे डिपेंड करेगी, एरिया पे, तो वो आर स्क्वायर होगी और फाइनली साइन थीटा डी थीटा का हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये सिग्मा इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर समथिंग ये वैल्यू हमको मिलेगी। तो हम आगे देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू कि ये क्या होगा। तो आगे हम देखें पार्शियल वेव एनालिसिस और फेज शिफ्ट एनालिसिस। तो इसमें क्या कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमारे पास जो पोटेंशियल है न्यूक्लियोनिक सिस्टम और जो न्यूक्लियोनिक सिस्टम में जो प्रोटॉन न्यूक्लियॉन के अराउंड मोशन कर रही है दैट मीन न्यूट्रॉन में, कि जो पोटेंशियल है इनके बीच में क्या हो, वी इक्वल टू ये जीरो हो। ये तभी पॉसिबल है जब स्केटरिंग फिनोमिना में कि हमारा जो स्केटरिंग सेंटर है वो क्या हो, एब्सेंस हो। स्केटरिंग सेंटर एब्सेंस हो कहने का मतलब क्या, इसको आप पिछला जो स्लाइड है वहाँ पे देखें, स्केटरिंग सेंटर यहाँ पे ये वाला जो पार्ट्स है ये आपका क्या है, ये स्केटरिंग सेंटर है। ये स्केटरिंग सेंटर क्या हो, अगर ये एब्सेंस होगी ये, तो V की वैल्यू क्या होगी, जीरो। दैट मीन्स यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। तो सोडिंगर इक्वेशन जो होगी वो डेल स्क्वायर साई प्लस टू एम एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इक्वल टू जीरो होगी। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो डिफरेंट सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग पार्शियल वेव एनालिसिस सॉल्यूशन कहते हैं, जिसको फेज शिफ्ट एनालिसिस के नाम से हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे, तो इसका सॉल्यूशन जब हम करें तो सेंटर जो स्केटिंग सेंटर की एब्सेंस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा साई वो ई की पावर आई के शेड होगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो साई था वो कैसा था, वो था ई आई के जेड प्लस ये था ई की पावर आई के आर ओवर आर और ये था हमारा एप थीटा। तो स्केटिंग सेंटर जो होगी V इक्वल टू जीरो, जो कि जो पोटेंशियल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ये सेंट्रल पॉइंट जो होगी ये R पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, जो स्केटिंग सेंटर है इसको हमने इग्नोर किया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल को जीरो, तो ये अब पोटेंशियल R पे डिपेंड नहीं करेगी, तो इस कारण ये जो टर्म्स होगी ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगी वो सॉल्यूशन क्या आएगी हमारे पास, साई इक्वल टू ई आई के जेड, जहाँ पे के की वैल्यू जो होगी ये क्या होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू को हमने माना हुआ है क्या के, तो के की जो वैल्यू होगी, और एम की वैल्यू आप रखेंगे क्या, रिड्यूस मास एम बाई टू, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी के की वो आएगी एम ई अंडर रूट का ओवर एच क्रॉस, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड आप कर लेंगे, ये अंडर रूट एम ई टू ओवर एच क्रॉस का अंडर रूट ये हो गया है, तो ये के इक्वल टू अंडर रूट एम ई ओवर एच क्रॉस होगा। यहाँ पे ई जो होगी ये बीम की काइनेटिक एनर्जी जो होगी, एम जो होगा ये मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होगी, जो रिड्यूस मास के फॉर्म में हमने यहाँ पे रखा हुआ है, एच क्रॉस एफ एम कॉन्स्टेंट होगी, तो ये वैल्यू हम रखें तो हमको ये वेव फंक्शन अब मिलेगी। ये याद रखिए, इसके पहले हमने ये जो सॉल्यूशन किया था ये कब था, ये प्रेजेंस ऑफ स्केटरिंग सेंटर था, अब हम जो यहाँ पे कर रहे हैं ये एब्सेंस ऑफ जो आपकी स्केटरिंग जो पुटिंग इस एब्सेंस ऑफ स्केटरिंग सेंटर पे हम ये देख रहे हैं। तो हमको अब इसका क्या करना है, सॉल्यूशन हमको करना है।
तो इसके सॉल्यूशन के लिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हम करें तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन होता है साई इक्वल टू ई की पावर आई के जेड, इसको लॉर्ड रेले जी ने ये प्रपोज्ड किया कि ये जो वेव फंक्शन जो होगी इसका हम सीरीज फॉर्म में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ये स्फेरिकल टर्म्स पे डिपेंड कर रही है, जिसको हम लोग स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन जैसा हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके लिए लॉर्ड रेले जीन ने ये प्रपोज किया कि जो वेव फंक्शन होगी आपकी साई, ये वेव फंक्शन जो होगी ये आर और थीटा पे डिपेंड करेगी। तो मैंने जैसे बताया कि ये एजीमथल एंगल फाइव पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसलिए हम इसको क्या करें, जो वेव फंक्शन होगी उसका एक्सपांसन करें। तो हम जे की जगह क्या रखें, स्फेरिकल टर्म्स में अगर रखें जे इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये वेल नोन है, तो हम ये यहाँ पे रख लें। तो ये सॉल्यूशन होगा ई की पावर आई के आर कॉस थीटा। चूँकि आपको पता होगा इसमें दो टर्म्स है, आर कॉस थीटा इसमें जो आ रही है, एक है रेडियल टर्म्स यहाँ पे है और दूसरा ये है आपका टेंजियल टर्म्स, थीटा टर्म्स। तो यहाँ पे स्फेरिकल हार्मोनिक जो सिस्टम होगी उसमें आपने पढ़ा होगा कि स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन में रेडियल टर्म्स अलग होंगी और एक टेंजियल टर्म्स। तो यहाँ पे हम रेडियल टर्म्स में रख रहे हैं आर एल आर, और ये है आपका स्फेरिकल टर्म्स वाई एल जीरो थीटा। जो स्फेरिकल टर्म्स होती है ये थीटा पे डिपेंड करती है और जो रेडियल टर्म्स है ये आर पे डिपेंड करती है। तो आर एल यहाँ पे एल पे डिपेंडेंसी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ड्यूटोनिक सिस्टम होगी वो डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स ऑर्बिटल जो क्वांटम नंबर एल होगी उस पे डिपेंड करेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट, वेयर एल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्शियल वेव विच इज इंटीजर नंबर। तो एल जो होगी यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ पार्शियल वेव को ये रिप्रेजेंट करेगी। नंबर ऑफ पार्शियल वेव, एल की वैल्यू आपके जितने ज़्यादा होंगे, एल वन है तो एक पार्शियल वेव एनालिसिस, एल इक्वल टू दो टू अगर है तो टू पार्शियल वेव, थ्री है तो थ्री पार्शियल वेव, तो इसी के बेस पे हम इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें पार्शियल वेव एनालिसिस और फेज शिफ्ट एनालिसिस, तो यहाँ पे मैंने बताया कि आर एल आर रेडियल फंक्शन होगी। रेडियल फंक्शन की वैल्यू आपको पता होगा, ये वेल नोन फंक्शन है। अगर याद होगा कि रेडियल वेव फंक्शन के लिए सॉल्यूशन अगर देखें तो इसकी वैल्यू मैंने इसके पहले भी बताया था, रेडियल जो टर्म्स होती है उसकी वैल्यू वन बाई आर स्क्वायर डी ओवर डी आर आर स्क्वायर ये होती है डी आर। यहाँ पे जो आर लिख रहा हूँ कैपिटल आर, ये आपका रेडियल वेव फंक्शन होगा। आर एल आर भी लिख सकते हैं आप, जो आर पे डिपेंड कर रही, तो ये डी आर ये होती है प्लस प्लस ये क्या होगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एल एल प्लस वन ओवर आर स्क्वायर, और इन सब के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा वेव फंक्शन का। तो ये वेव फंक्शन रेडियल वेव फंक्शन आर एल आर इक्वल टू जीरो, ये आपका रेडियल जो वेव फंक्शन होती है ये होती है। यहाँ पे याद होगा के स्क्वायर जो होगी ये ई आपका एनर्जी जो है उस फॉर्म पे है, इसके पहले मैंने के की वैल्यू बताया भी हुआ था आपको अंडर रूट के की वैल्यू एम ई ओवर एच क्रस, तो ये वैल्यू होंगी। तो इसका अब हम सॉल्यूशन करें रेडियल टर्म्स, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन जो होगी एक और स्पेशल जो फंक्शन होती है उसके फॉर्म में होती है। इस स्पेशल फंक्शन को हम लोग बेसल फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका बेसल फंक्शन जो सॉल्यूशन होगा आर एल आर इक्वल टू ये होगा आई की पावर एल अंडर रूट फोर पाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू एल प्लस वन, और ये जे एल के आर, जहाँ जे एल
आर याद होगा, इसको हम लोग बेसल जो फंक्शन है इस फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको हम लोग बेसल फंक्शन कहते हैं। इसका जो वैल्यू होती है, बेसल जो फंक्शन होगी, जे आपका जे एल के आर की जो वैल्यू होती है ये एल पे डिपेंड करेगी। तो एल पे डिपेंड अगर करेगी तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है 1/2i kr e की पावर, ये होती है प्लस का आई के आर माइनस एल, ये होती है पाई बाई टू, ये फर्स्ट टर्म्स माइनस नेक्स्ट टर्म्स ई की पावर माइनस आई के आर माइनस एल पाई बाई टू। इस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन ये होता है। चाहो तो इसको आप साइन या कॉस के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स होंगे उसको आप साइन कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये एल पे डिपेंडेंसी यहाँ पे ये दिख रही है, तो एल की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका जो वैल्यू होगा जे एल के आर की वैल्यू, ये भी डिफरेंट होंगी। और यहाँ पे जो रेडियल जो कोऑर्डिनेट होगी, रेडियल फंक्शन, उसका भी जो सॉल्यूशन होगा एल के डिफरेंट वैल्यू के लिए, ये डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक जो रेडियल जो फंक्शन है इसका सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन, तो ये इसका सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट टर्म्स, ये नेक्स्ट टर्म स्फेरिकल टर्म्स जो है वाई एल जीरो थीटा की जो वैल्यू होगी, तो ये स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन है। स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन जिसकी वैल्यू आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पे जो मैथमेटिकल फिजिक्स पे, या फिर बीएससी की किताबों पे आपने मैथ्स में ये पढ़ा होगा, जो स्फेरिकल हार्मोनिक टर्म्स होती है वाई एल जीरो थीटा, इसकी वैल्यू ये होता है √2l+1/√4π पी एल कॉस थीटा। तो ये थीटा पे डिपेंडेंसी होती है, ये थीटा पे डिपेंड करेगी। एल की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसकी भी जो वैल्यू होगी ये डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे होंगी। और आपको पता होगा कि जो पी एल कॉस थीटा, इसकी भी एल की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट होती है। जैसे एल की वैल्यू जीरो के लिए अगर देखें तो पी जीरो कॉस थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, ये वेल नोन फंक्शन है। वैसे ही एल इक्वल टू 1 के लिए अगर करें तो इसकी जो वैल्यू होती है ये आपका आता है कॉस थीटा। वैसे ही अगर हम पी एल इक्वल टू 2 के लिए करें तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ये होता है 1/2 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या, सपोज कि एल इक्वल टू हम जीरो के लिए सॉल्यूशन करें, जो कि आपको पता है ये एल इक्वल टू जीरो मतलब कौन सा स्टेट। अगर ड्यूट्रॉन के लिए देखें तो ये 1s3 जो स्टेट एक जो एग्जिस्ट करती है ड्यूट्रॉन की, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस इसका होती है, इसके लिए ये सॉल्यूशन होगा। वैसे चूंकि एल इक्वल टू 1 ये तो सॉल्यूशन होता नहीं, लेकिन एल इक्वल टू 1 का कहने का मतलब ये पी स्टेट ये एग्जिस्ट नहीं करती ड्यूट्रॉन में, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। एल इक्वल टू 2 का मतलब डी स्टेट, तो 1d जो 3 स्टेट है ये भी ड्यूट्रॉन के लिए एग्जिस्ट करती है। तो इन दोनों के लिए इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, इसलिए ये जो फंक्शन है ये इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। याद होगा पी एल कॉस थीटा को हम लोग लीजेंड्री फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो लीजेंड्री जो फंक्शन होगी इसकी वैल्यू हम एल इक्वल टू 0 के लिए करेंगे और एल इक्वल टू 2 के लिए हम ये सॉल्यूशन करेंगे। ये ड्यूट्रॉन के लिए ये दो ही जो स्टेट है ये एग्जिस्ट करती है। तो ये स्फेरिकल टर्म्स में इस लेजेंड्री फंक्शन का ये सॉल्यूशन होगा। तो दोनों जो फंक्शन होंगे, आर रेडियल फंक्शन और स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन, इन दोनों में दो स्पेशल और फंक्शन है, एक स्फेरिकल बेसल फंक्शन और एक है लीजेंड्रे पॉलिनोमल जिसको हम कहते हैं। तो लीजेंड्रे पॉलिनोमल्स के फॉर्म में इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फाइनली हमारा मोटो अब समझ में आ गया होगा कि हमारा जो वेव फंक्शन है साई, जो कि आपका क्या था, एक रेडियल पार्ट था,
आर एल आर के फॉर्म में और एक वाई एल जीरो थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रखें एल के सभी वैल्यू के लिए, तो ये रखें तो हमको वेव फंक्शन मिलेगा क्या, ये प्लेन वेव इक्वेशन ये हमको यहाँ से मिलेगी। तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हमको दिख रहा है, सम ऑफ एल इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी आई एल टू एल प्लस वन बेसल फंक्शन जे एल के आर एंड लीजेंड पॉलिनोमियल पी एल कोस थीटा के फॉर्म में। तो अब हम क्या करें, ये तो हमको यहाँ पे ये मिल गई, अब स्केटरिंग एम्पलीट्यूड हम फाइंड आउट करें। तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा हम निकाल सकते हैं, ये तो यहाँ तक का जो सॉल्यूशन है ये आपको सॉल्यूशन मिल गया, प्लेन वेव इक्वेशन मिल गया, लेकिन एक जगह हमको एम्पलीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस एम्पलीट्यूड को हम फाइंड आउट करें। कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एम्पलीट्यूड, अगर याद होगा ये तो फर्स्ट टर्म्स का सॉल्यूशन, साई में अगर देखें तो ई की पावर आई के जेड, ये फर्स्ट टर्म्स का सॉल्यूशन ये हो गया, लेकिन एक टर्म्स और थी, ये अगर सेंट्रल हम जो सेंटर ऑफ स्केटरिंग उसको इग्नोर किए थे और इग्नोर नहीं करें तब की केस में ई की पावर आई के आर ओवर आर और एफ थीटा, तो हम यहाँ पे एफ थीटा जो है एम्पलीट्यूड उसको उसकी हम वैल्यू यहाँ पे रखें। तो यहाँ पे जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड होगा एफ थीटा, इसका भी हम अगर पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखें तो पॉलिनोमियल के टर्म्स में जो इसकी वैल्यू होगी एफ थीटा वो वन ओवर के सम ओवर ट्वेल्व प्लस वन ई आई डेल एल साइन डेल एल पी एल कोस थीटा के फॉर्म में होगी। यहाँ पे डेल एल जो होती है ये आपका फेस शिफ्ट कहलाती है, डेल इज द फेस शिफ्ट ड्यू टू स्केटरिंग फ्रॉम द पोटेंशियल। तो हम जब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में जब हम स्केटरिंग यहाँ पे करवाते हैं तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन की जो फेस में जो चेंजेस होती है ये किसके कारण होगी, ये पोटेंशियल जो यहाँ पे होंगी ड्यूटोनिक सिस्टम उस पोटेंशियल के नेचर पे डिपेंड करेगी। तो हम आगे इसको देखेंगे भी इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे जो डेल होगा ये क्या है, फेज शिफ्ट कहलाएंगी। तो ये स्केटरिंग एम्पलीट्यूड भी मिल गया। तो फाइनल इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें टोटल क्रॉस सेक्शन और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में, तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जिसकी वैल्यू आपको मैंने बताया था डी सिग्मा, ये होती है एम्पलीट्यूड ऑफ एफ थीटा स्क्वायर डी ओमेगा, ये निकाले थे पिछले स्लाइड पे। तो एफ थीटा की वैल्यू हम रखें वन ओवर के टू एल प्लस वन ई की पावर डेल एल साइन डेल एल पी एल कोस थीटा स्क्वायर इस फॉर्म में, और ये डी ओमेगा। तो ये हो गया, अब इसका हम क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें। तो इंटीग्रेशन जब हम करें टोटल क्रॉस सेक्शन, तो टोटल क्रॉस सेक्शन जब हम करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी। तो जो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, फोर पाई के स्क्वायर सम ओवर टू एल प्लस वन साइन स्क्वायर डेल एल, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करें, जब आप सिग्मा निकालेंगे तो डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको करनी है। तो इंटीग्रेशन डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा, ये आप डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो हमको मिलेगी क्या, फोर पाई के स्क्वायर टू एल प्लस वन साइन स्क्वायर डेल एल, इस फॉर्म में इसकी हमको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये ओवरऑल स्केटरिंग जो क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू, जहाँ पे डेल एल जो फेस शिफ्ट होगी उसकी वैल्यू एन प्लस वन बाई टू पाई होगी। एन यहाँ पे इंटीजर नंबर होंगी, एन की जो वैल्यू होंगी ये जीरो वन प्लस माइनस दोनों हो सकती है, ये तो ये प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू इस फॉर्म में होगी। सपोज कि एन की वैल्यू यहाँ पे हम जीरो रखें तो जो फेस शिफ्ट होगी वो कितने का होगा, ये पाई बाई टू की फेस शिफ्ट यहाँ पे होंगी। तो इसके रेस्पेक्ट में हम जो टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होगी और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो होंगे उसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं।
तो ये था टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का कैलकुलेशन। चूंकि ये एल पे डिपेंड कर रही है, तो एल के डिफरेंट वैल्यू के लिए जो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट आएंगी। तो हम एल के रिस्पेक्ट में अगर देखें, दी टोटल क्रॉस सेक्शन कैन बी रिटर्न एट सम ऑफ दी पार्शियल क्रॉस सेक्शन। सो पार्शियल क्रॉस सेक्शन आर सिग्मा एल इक्वल टू 4 पाई एल स्क्वायर 2L+1 साइन स्क्वायर डेल एल। हम इसको इस फॉर्म में ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर याद होगा मैंने एक जगह के इसको मैंने 1 ओवर ये लेमडा के फॉर्म में लिखा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे जो के स्क्वायर की वैल्यू होगी ये 1 ओवर लेमडा स्क्वायर होगी, तो ये लेमडा स्क्वायर रखें। तो यही जो इक्वेशन होगी ये एल के फॉर्म में सिग्मा एल 4π λ² 2L+1 साइन स्क्वायर डेल एल ये होंगी। तो इसका हम अब आगे सॉल्यूशन करें ड्यूट्रॉन के केस के लिए। ड्यूट्रॉन के केस के लिए क्या, ड्यूट्रॉन में हमने एक स्टेट पढ़ा था, क्या याद होगा, तो 1s3 जो कि 96% एग्जिस्टेंस इसका होता है, तो इसमें एल की वैल्यू रखें हम 0। तो एल इक्वल टू 0 के केस के लिए इसके लिए हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन देखें, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो ये वैल्यू जो होगी यहाँ से ये आएगा सिग्मा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 4π λ² साइन स्क्वायर डेल। इस फॉर्म में अगर के फॉर्म में लिखें तो सिग्मा SC जो होगी ये होगा 4π λ² की जगह 1/k² 4π k² ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल जीरो। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा SC इक्वल टू 4π और साइन डेल जीरो ओवर के का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। इसको एक कांस्टेंट अगर हम मान लें, सपोज इस पूरे टर्म्स को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ ए, तो इसी को हम लिख सकते हैं 4π a²। इस ए को ही हम लोग स्केटरिंग लेंथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये ड्यूट्रॉन के लिए ये स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन ये वैल्यू होगी, जो कि कितना होगा मैक्सिमम नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे ये 4π a² के इक्वल होगी, जहाँ ए क्या होगा स्केटरिंग लेंथ होगी। तो नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट आपका रिलेशन है इसके टोटल क्रॉस सेक्शन, जिसके बेस पे हम बता रहे हैं कि जो टोटल क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 4π a². नेक्स्ट अगर देखें स्केटरिंग लेंथ जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने स्केटरिंग लेंथ जो बात कर रहा था उसमें ये है आपका f थीटा। ये थीटा क्या है, स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है जो लो एनर्जी रेंज पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लाए हुए हैं। तो ये जो स्केटरिंग लेंथ होगी, इसके पहले मैंने आपको जो स्केटरिंग लेंथ का फार्मूला बताया था वो क्या बताया था, 1/k सम ओवर 2L+1 ये था, और e की पावर ये इसको मैं ब्रैकेट पे रख लूँ e की पावर i डेल एल, और ये था आपका साइन डेल एल, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पे है PL cos थीटा। इसको मैंने पिछले स्लाइड पे बताया था, चूँकि हम किसके लिए देख रहे हैं फॉर 1s3 स्टेट, दैट मीन्स एल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रखें तो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड क्या होगी, एफ थीटा की जो वैल्यू होगी ये एल की वैल्यू 0 रखें तो ये आ जाएगा 1/k ई की पावर आई डेल एल, मतलब ये ई की पावर आई डेल 0 ये हो जाएगा, और साइन ये क्या हो जाएगी वैल्यू साइन डेल 0, और PL cos थीटा ये एल इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू 1 होती है। तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो किस फॉर्म में, वो इस फॉर्म में। तो ये आपका किसके लिए, फॉर एल इक्वल टू 0 के लिए ये स्केटरिंग लेंथ है, जहाँ पे के की वैल्यू मैंने बताया था ये 1/λ। के इज वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ द लेमडा इज वेरी लार्ज। तो के ये लेमडा की वैल्यू लार्ज कैसे होगा, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। के इक्वल टू मैंने बताया था एम, यहाँ पे बताया था ई ओवर
आपको यहाँ पे बताया था एच क्लास। ठीक, तो के की वैल्यू स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि के किसके प्रोपोर्शनल है, ये एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। ये तो कॉन्स्टेंट टर्म्स होती है जो कुछ है, ये एनर्जी, एनर्जी किसकी, इंसिडेंट जो बीम होगी, अगर हम न्यूट्रॉन की बीम दे रहे हैं तो न्यूट्रॉन बीम, तो इसकी एनर्जी है। ई की वैल्यू चूँकि हम लो रेंज पे कर रहे हैं तो ई ये है लेस देन 5 MeV होता है, या हम डिफरेंट फ्रेम यूज करें, लेबोरेटरी फ्रेम या आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो दोनों के लिए अलग, तो मैक्सिमम 5 से ये 10, 5 to 10 MeV तक, जो कि काफ़ी लो एनर्जी है। इस रेंज पे अगर हम देखें तो इस रेंज पे जो के की वैल्यू है ये काफ़ी स्मॉल होती है। जब के स्मॉल होगा तो इस केस में लेमडा जो टर्म्स होंगी, इस लेमडा टर्म्स की वैल्यू जो होगी ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लेमडा टर्म्स बढ़ेगी, इसका मतलब जो इसके पिछले जो स्लाइड्स है उसमें अगर हम देखें पिछले स्लाइड्स में, तो यहाँ पे ये लेमडा पे डिपेंडेंसी यहाँ पे दिख रही होगी। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू अगर कम होगी तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगी। तो जो टोटल जो क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू होगी सिग्मा, इस टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज, यहाँ से ये के लेस देन अगर है, ठीक है, कम है तब की केस में बढ़ेगी, और के कम होती है तो लेमडा के प्रपोर्शनल, तो लेमडा बढ़ती है तो ये भी इंक्रीज होगी। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम स्केटरिंग लेंथ अगर देखें तो के की वैल्यू जैसे जैसे हमारे पास क्या होती है, जीरो की वो अप्रोच करती है, तो फेज शिफ्ट मस्ट आल्सो अप्रोचेस टू जीरो। फेज शिफ्ट का मतलब क्या है, डेल, डेल को हम क्या बोले थे, फेज शिफ्ट, जो कि जिसकी वैल्यू जो होती है एन प्लस ये π/2 होती है, एन के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यू होती है। तो के की वैल्यू जैसे जैसे जीरो की वो टेंड करता है, के टेंडिंग टू जीरो, डेल आल्सो टेंड टू जीरो, बिकॉज कि यहाँ पे जो टर्म्स होंगे इस केस में, के अगर जीरो की वो टेंड करेगी तो एफ थीटा जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये इनफाइनाइट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो डेल जीरो है उसको भी क्या होना चाहिए, उसको जीरो होना चाहिए। तो लो एनर्जी रेंज पे अगर के टेंड की वो जीरो कहती है तो स्केटिंग एम्पलीट्यूड ये इनफाइनाइट नहीं होती है, बल्कि वो कांस्टेंट हो जाती है, और जो फेज शिफ्ट होती है डेल, उसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, जिसके कारण स्केटिंग एम्पलीट्यूड क्या होती है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो लिमिट है उस लिमिट को अगर हम रखें यहाँ पे के टेन टू जीरो, दी एम्पलीट्यूड विल बी कांस्टेंट विच इज इक्वल टू -a, दैट मीन्स यहाँ पे अगर देखें तो जो एम्पलीट्यूड होगी ये कैसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगी, जो किस पे किसके इक्वल होगी, ये डेल जीरो और के इक्वल, जिसको मैं एक और टर्म्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है -a, इसी -a को हम लोग स्केटरिंग लेंथ कहते हैं। स्केटरिंग जो लेंथ होगी दैट मीन्स ए की जो वैल्यू होगी स्केटरिंग लेंथ, ये आपका प्लस माइनस दोनों हो सकती है, स्केटरिंग लेंथ प्लस ए भी हो सकती है, माइनस ए भी ये हो सकती है। तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें यहाँ पे एम्पलीट्यूड, तो ये एम्पलीट्यूड ये प्लस, अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं एम्पलीट्यूड का, तो मैक्सिमम उसके किस पे डिपेंड करेगा, स्केटरिंग लेंथ पे। तो मैक्सिमम स्केटरिंग लेंथ तक ही इसकी एम्पलीट्यूड हो सकती है, जो स्केटर्ड बीम है उस एम्पलीट्यूड की यहाँ पे बात हो रही है। तो इससे हम स्केटरिंग लेंथ का अगर रिप्रेजेंटेशन देखें वेव फंक्शन के फॉर्म में, चूंकि मैंने आपको बताया था वेव फंक्शन बाउंड स्टेट के लिए जो वेव फंक्शन होती है यू आर, ये होता है कॉन्स्टेंट टर्म सी
और साइन ये होता है के आर, चूंकि यहाँ पे स्केटरिंग ये हमने पढ़ा हुआ था श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे क्या है एक स्केटरिंग फिनोमिना हो रही है, तो स्केटरिंग फिनोमिना में जो वेव फंक्शन होती है यू आर जो होगी वो सी साइन के आर प्लस जो स्केटरिंग जो फेज शिफ्ट होती है उस पर डिपेंड करेगी। तो फेज शिफ्ट क्या है यहाँ पे डेल, अगर एल के टर्म्स में लिखे तो ये एल और ये होगा एल, तो इस फॉर्म में के आर प्लस डेल एल, लेकिन एल इक्वल टू 0 के केस में करें तो ये सी साइन के आर प्लस डेल 0। और डेल 0 क्या है, डेल 0 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, यहाँ से अगर देखे तो डेल 0 की वैल्यू है आपका माइनस ए के, तो के की वैल्यू भी आपको पता है ये काफ़ी छोटी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे ये छोटी इसलिए क्योंकि लो एनर्जी रेंज पे इस वैल्यू को हम क्या करें यहाँ पे रख सकते हैं डेल 0 की वैल्यू पे। तो यहाँ पे जब हम रखें तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन मिलेगी हमको वो वेव फंक्शन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में यू आर इक्वल टू सी के आर माइनस ए। यहाँ पे ए स्केटरिंग लेंथ है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ग्राफ इसका देखें तो आर इक्वल टू ए के केस में, चूंकि दो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे हो सकते हैं स्केटरिंग लेंथ जो होगी वो आर इक्वल टू ए हो सकती है, आर इक्वल टू माइनस ए। आर का मतलब क्या है, ये सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा जो स्केटरिंग जो मैक्सिमम जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड जो हमको मिलेगी वो न्यूट्रॉन का यहाँ पे हम एग्जिस्टेंस बता रहे हैं जो कहाँ तक होगी, ये आर रेडियस तक हो सकती है मैक्सिमम, और यहाँ पे हमने बीम इंसिडेंट करवाया, और इधर से ये जो स्केटिंग बीम होगी जो यहाँ से स्केटर्ड होगी वो इस रेडियस से मैक्सिमम ये इस रेडियस तक हो सकती है मैक्सिमम, तो यहाँ से जब ये स्केटर्ड होंगी इस फॉर्म पे तो ये कभी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये जो बीम हो वो सभी स्केटर्ड हो, इस पर्टिकुलर जो रेडियस आर है उससे वो स्केटर्ड हो, तो इस बेस पे हम इसका लेंथ जो होगी स्केटरिंग लेंथ जो कि इस रेडियस तक है वहाँ तक हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है न्यूट्रॉन है और हम इधर से इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो जो स्केटर्ड होगी वो यहाँ से यहाँ तक इस रेंज पे, ये इस रेंज पे, दैट मीन्स यहाँ का रेंज क्या है आर, ये यहाँ तक ही ये स्केटर्ड हो सकती है, तो इस केस में हम स्केटरिंग लेंथ जो होगी वो मैक्सिमम कहाँ तक होगी आर तक, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको एक नया टर्म्स दे रहे हैं ए, जिसको स्केटरिंग लेंथ कह रहे हैं ये प्लस माइनस ए तक हो सकती है, तो इसकी वैल्यू ग्राफ से यहाँ पे अगर देखें तो अगर आर की वैल्यू प्लस ए तक होती है तब की केस में ये आपका स्केटरिंग जो लेंथ पॉजिटिव अगर हो तो इसको हम लोग बाउंड स्टेट कहते हैं, अगर स्केटरिंग लेंथ जो है वो अगर निगेटिव हो तब की केस में उसको अनबाउंड कहते हैं। तो पॉजिटिव जो ए होगी स्केटरिंग लेंथ वो आपका बाउंड स्टेट को शो करेगा, और जो निगेटिव जो ए होगी वो आपका अनबाउंड स्टेट को ये शो करेगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ से भी अगर देख रहे हैं तो ये इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो यहाँ पे दिख रहा है जो आपको बता रहा है कि जो रेंज होगी जो हमारा वेव फंक्शन होगा यू आर वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री आर इक्वल टू बी तक, यहाँ पे ये इसका ये ऐसा ग्राफ दिखा रहा है स्लोप जहाँ पे ये बाउंड स्टेट को ये शो कर रही है, इसके बाद जो मैक्सिमम जो होंगी आर इक्वल टू ए तक उसके बाद वो अनबाउंड स्टेट को वो शो करेगी। तो इसके लिए अगर हम स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो जो स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन होगी सिग्मा स्केटरिंग 4 पाई लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, तो यहाँ पे अगर रखें तो के की वैल्यू इस फॉर्म में 1 ओवर लेमडा, तो ये वैल्यू और साइन
साइन डेल जीरो अपॉन के, इसकी वैल्यू होती है ए, तो इसकी वैल्यू रखें तो 4πa² तो ये इसकी मैक्सिमम स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन लेंथ होगी। ये वैसा ही है जो कि हमने इसके पहले स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाला हुआ था। तो ये आपकी जो स्केटरिंग जो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू ड्यूट्रॉन जो सिस्टम होंगे उनके लिए होगा, जो यहाँ पे प्रूव कर रही है कि स्केटरिंग लेंथ ए पे डिपेंड करेगी। और ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू होगी, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ए के डिफरेंट वैल्यू क्योंकि स्क्वायर टर्म्स है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव ही होंगी, स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन पॉजिटिव ही होती है। लेकिन ये हमको बताएगी कि ए प्लस और माइनस के लिए कि बाउंड कब होगा और अनबाउंड, क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन है यू आर, ये बता रही है कि ये जो वेव फंक्शन जो होगी वो कब वेनिश होगी और कब वेनिश ये नहीं होंगी। तो तब की केस में ये यहाँ पे ए प्लस ए के लिए इसके टेंड पॉजिटिव के लिए बाउंड स्टेट, और ये माइनस के लिए ये नेगेटिव स्केटरिंग लेंथ के लिए ये अनबाउंड स्टेट ये होंगे। तो ये था आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्केटरिंग या ड्यूट्रॉन स्केटरिंग सिस्टम। होप सो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही था, तो कोशिश किया हूँ कि वो आ जाए। अगर आपको डिटेल्स पे मैथमेटिकल्स बैकग्राउंड देखनी हो तो डीसी तयाल की ये किताब आप प्रीफर कर सकते हैं, जो कि पेज नंबर 305 पे ये आपको मिल जाएगी। 305 से 309 पे ये कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के लिए डीसी तयाल की बुक ये आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगी उसमें हम डिफरेंट और इस यूनिट से बचे हुए जो टॉपिक्स होंगे उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना।